दोस्तों, कैसे? आज 16 तारीख है। मैं एक अपडेट लेके आया था एनईपीपी मेंबर न्यूज लिमिटेड में। इसका हाई था 242 रुपये का, 52 वीक हाई, और लो है इसका 36 रुपये का। और अभी एक वॉल्यूम के साथ ये समझ थोड़ा स्पाइक आ रहा है। और अगर का रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट भी थोड़ा अच्छा इसने दिया है। और अब देखेंगे कि यहाँ पे क्वार्टरली जो इसका है उससे सेल्स भी इंक्रीज किया हुआ है। 134 की जगह 149 आया है। और अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो आप देखेंगे हम निगेटिव था वहाँ पे 32 करोड़ का आया है। तो अच्छा है, एक प्रॉफिटेबिलिटी शो करने की कोशिश किया है इन्होंने, इस कंपनी ने, एम्फीबी ने। मैं आपको इसके फाइनेंशियल को दिखाऊँ एक बार। एक सौ चौंतीस की जगह 149, अदर इनकम 9 करोड़ की जगह पीबीटी 43 करोड़, और माइनस आर की जगह 26 करोड़। और डेब्ट इनके पास है नहीं। और अगर मैं ऐसे ओवरऑल प्रॉफिट क्या करता है तो ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, मेंटेनेंस, वेब डेवलपमेंट, ई कॉमर्स पेमेंट, गेटवे सर्विसेज, अदर इनिशियल सर्विसेज इनपीपी में काम करता है। तब इसमें एक पेनी स्टॉक की तरह इसमें आप इसमें अभी पोजिशन बना सकते हैं। डिविडेंड भी ये पे करता है 0.21% इसका। सेल्स ग्रोथ 42% जो बता रहा है अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्स्टेंट भी हैं तो उसको भी जानना जरूरी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% है। प्राइस टू कैश फ्लो जो है कि हाई है, ठीक है। पी रेशियो भी देखिएगा तो 29.73, ये भी हाई है। और सबसे बड़ी बात, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 38% है, उसमें से 18% जो है ग्रीवी रखा हुआ है। इसके लिए मैं इसको बोलता हूँ पेनी स्टॉक। एफआई पोजीशन से क्या हो रहा है, निकल रहा है, एफआई बाहर निकल रहा है तो इसमें। और अगर मैं रिटर्न की बात करूँ इसके, तो आप देखिए यहाँ 2 साल तक का रिटर्न जो है निगेटिव हो चुका है इसका, और इसके पहले था नहीं ये, तो सारा निगेटिव है। अभी 1 वीक और 1 डे में थोड़ा सा पॉजिटिव रिटर्न दिखा रहा है। एनएससी में देखेंगे तो क्या हुआ है कि 15 फरवरी को जहां पे इसका वॉल्यूम 88 लाख 1 करोड़, 88 लाख 86 हो रहा था, 3 करोड़ 70 लाख का वॉल्यूम होता है और 44 लाख की डिलीवरी ली जाती है। और प्राइस में अप होता है, 34 के बाद सीधा 38 होता है। और वेटेड एवरेज वॉल्यूम क्लो देखेंगे तो जहां वेटेड एवरेज से ऊपर की ओर क्लोजिंग दे रहा है, 38 की जगह 39 पे क्लोजिंग दे रहा है। तो हो सकता है एक बार के लिए ये आपको स्पाइक लेते हुए, देखिए अभी ये एमएसडी भी देखिए 1 आवर पे भी देखिए ऊपर की ओर जा रहा है। आरएसआई भी जो दिखा रहा है 72 दिखा रहा है। तो हो सकता है कि एक बार ये अपने इस लेवल को टच करने की, 45 के आसपास जाके टच करने की कोशिश करेगा, 45 की ओर जा सकता है लॉन्ग टर्म में। इसलिए मैं अभी कोई इसकी लॉन्ग टर्म की बात नहीं बोला कि 242 से गिरा है इसके लिए इसको लेना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। इसको क्रॉस करना है तो एक बार 85-90 क्रॉस करें ये, या इस लेवल को जब क्रॉस करता है यहाँ पे जो 85-80-82 है, तो फिर आपको एक बार हो सकता है कि इसमें 150-175 तक का आपको भाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें अभी टाइम भी लग सकता है। अगर मैं इसका रिकमेंडेशन की बात करूँ तो देर आर नो रिकमेंडेशन ऑन दिस स्टॉक। इस स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो इसके बारे में यही बोल सकता हूं, पेनी स्टॉक के रूप में आप इसको पोजीशन बनाना चाहें तो बनाएं। इसके आपको प्रॉब्लम को बता दिया, शेयर गिर भी रखा गया है और 18% 18.38। प्रमोटर की जो होल्डिंग है बहुत कम है, बिलो 50 है, 40 है इनफैक्ट बिलो, 38.22%। एफआई इसमें से थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। फाइनेंशियल अच्छा है इसने, अगर देखे तो फाइनेंशियल अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, फाइनेंशियल का कोई इशू नहीं है, फाइनेंशियल इसने अच्छा बताया है। लेकिन इसका मैं अगर स्टैंडर्ड अलोन देखता हूं तो प्रॉफिट 26 करोड़ का है। जब मैं ये कंसोलिडेट जाता हूं तो 21 करोड़ का हो जाता है। पूरे ग्रुप का देखने की कोशिश करता हूं तो 21 करोड़ का बताता है। जहां सेल्स बढ़ता है स्टैंडर्ड अलोन में 149 करोड़ का सेल बढ़ता है, और इससे ऊपर जाता है 138, डबल का लगभग सेल होता है।
लेकिन उसके सामने पीबीटी और नेट प्रॉफिट दोनों डाउन जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एज ए होल ग्रुप ये अभी भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। ये किसी को लेना है शॉर्ट टर्म के लिए, 45-60 के लिए, ट्रेडिंग पर्पज से के लिए, तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं। अच्छा चीज़ है कि ये 0.99 बुक वैल्यू की मिल रहा है और 242 से 242 का हाई बना के गिरा हुआ है, 242 का। लेकिन अभी भी जब पी रेशियो देखिएगा इसका तो 30 है, जबकि इंडस्ट्री पी 24 है। मीन्स अभी जो इसका प्रॉब्लम है अर्निंग पर शेयर है, अर्निंग जो है वो लो है, डिविडेंड भी कम है, डिलीवरी भी को खास परसेंटेज नहीं है, 12% 14% है। तो अभी जो ये जो पोजीशन बनाया हुआ है ये ट्रेडर के द्वारा बनाया हुआ पोजीशन है। और अगर मैं एक बार डेरिवेटिव पे भी जा करके देखूं तो 30 पीस को अच्छा खासा सपोर्ट है, 3,20,000 का ओपन इंटरेस्ट है, ये कॉल है, ये 39.55 इन्फीबीम का 15 फरवरी की क्लोजिंग है। मैं 28 फरवरी के इन्फीबीम के डेरिवेटिव को चेक कर रहा था। और यहाँ पे देखेंगे तो आप 40 पे इसकी क्लोजिंग 39.50 है, तो सबसे ज़्यादा 3,04,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है 40 पे, फिर 45 पे 1,16,000 का और 50 पे 1,00,000 का। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल की और वो 50 तक जा रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इनफैक्ट 50 के लेवल पे भी पुट में शॉर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे 45 पे भी शॉर्ट हुआ है। तो नीचे 30 का अच्छा खासा सपोर्ट है इसको, और ऊपर 50 की ओर जाने की ये गुंजाइश रख सकता है, जाके दिखा सकता है। तो इन्फीबीम एक जब हम चार्ट पे देखने की कोशिश कर रहे थे तो इन्फीबीम में एक सिग्नल है। अगर मैं बोलिंगर बैंड्स को इसको डेली बेसिस पे देखूं तो अगर कोई चाहे तो 37 का स्टॉप लॉस लगा करके, और वो एक बार 45-46 जो इसका अपर रेंज है, इस रेंज को ये टच करने की कोशिश कर सकता है। स्टॉप लॉस 37 का यहाँ पे लगा के कोई भी चाहे तो एक बार इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्फीबीम में 46 के लिए ट्राई कर सकता है। और अगर ये 46 की ओर क्रॉस करता है तो फिर हो सकता है कि एक बार ये 60-61 की ओर भी जाते हुए आपको दिखे, और वहां से फिर 80 की ओर जाते हुए दिखे। तो 45, 65 और 80, ये तीन ऊपर की ओर रेंज है। 30 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 37 यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 30 लगा लीजिए, और शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो 38 का, 37 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें बाइंग पोजीशन पे बन सकते हैं। उसका सबसे बड़ा जो रीजन है, जो ट्रेडेड क्वांटिटी है 3,70,00,000 है, जो कि पहले इतना वॉल्यूम नहीं था। तो इन्फीबीम में एक बाइंग पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिए बन रही है, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये पेनी स्टॉक की तरह काम आप बनाइए। हो सकता है ये 150 दिखा दे, लेकिन इसको पेनी स्टॉक की तरह ही डील करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसका सिर्फ सी और सिर्फ एक ही रीजन है कि जो इसका फाइनेंशियल है, पी रेशियो बहुत हाई है, तो अर्निंग जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक पी डाउन होने का चांस नहीं है। अर्निंग बढ़ाने के लिए इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रिटर्न है वहां पे बढ़ाना पड़ेगा, वहां पे काम करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलरेडी 18% है, उसके बाद ये रिटर्न आ रहा है, तो इनको और अपने ऑपरेशनल कॉस्ट की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्राइस टू कैश फ्लो जो है 26% है, तो ये भी एक बहुत हाई लीव 30 के आसपास मिल रहा है। प्लस पॉइंट में आपका क्या है, डेप्ट कम है, कवरेज रेशियो 21 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.99 में भी मिल रहा है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, 27 रुपये का हाई लो बना चुका है, लो बनाया हुआ है, और ये आप 39 के मतलब नियरेस्ट टू लो है, अभी बहुत ऊपर भागा हुआ शेयर नहीं है ये अभी। बट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे आप तो बहुत ही कम है, ये बहुत बड़ा एक कॉन्स्टेंट है। तो हो सकता है, ऐसा फील है, ऐसा मैं सीओटी नहीं बता रहा हूँ, हो सकता है इंटरेस्ट पेमेंट को कैपिटलाइज कर किया जा रहा हो, तो इसके कारण आपको रिटर्न जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ज़्यादा दिख रहा हो, और उसके सामने आपको यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपको कम दिखाया जा रहा हो। तो
तो हो सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट को शो करने के लिए, इसको प्रॉफिटेबिलिटी को, नेट प्रॉफिट को शो करने के लिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं नेट प्रॉफिट को शो करने के लिए हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा कुछ किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो फाइनेंशियल में हो सकता है इंटरेस्ट का कैपिटलाइजेशन कुछ पोर्शन में दिखाया जा सकता है। तो इसके एक बार डिटेल, अगर फाइनेंशियल की बात कर लें, एक बार डिटेल फाइनेंशियल जाकर देख लेते हैं एक बार, इसका स्टैंडर्ड अलाउंस ही देखते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है, क्वार्टरली देखते हैं इसका, दिसंबर 18 का, और स्टैंडर्ड लोन ही देखते हैं। तो इम्प्लाई का डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन तो कंटिन्यू वही है, यहाँ से बढ़ा हुआ है, और प्रॉफिट लॉस बिफोर इनकॉर्पोरेशन देखेंगे यहाँ पे 32 करोड़ का है, अदर इनकम, इंटरेस्ट इनका जो है वो 1.22, 1.13, तो ऐसा 1.13 सेमी इंटरेस्ट बता रहे हैं, तो वैसा नहीं दिख रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट पे कुछ कर रहे होंगे ये, क्योंकि इंटरेस्ट सेमी लगभग 1 करोड़ के आसपास बता रहे हैं, डिप्रिसिएशन में भी ये सेमी बता रहे हैं, 11, 14, 11, 28, 11, 39। तो कैपिटलाइजेशन अगर इनका रिटर्न लो आ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके पास डेड एसेट, डेड स्टॉक ज़्यादा पड़े हुए हैं जिससे रिटर्न इनको नहीं मिल पा रहा है। तो जो भी हो, तो फाइनेंशियल में सबसे बड़ा जो है कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है, 5% है, इसको ज़्यादा होना चाहिए, डिविडेंड बहुत कम है, शेयर होल्डिंग परसेंट देखेंगे तो गिरवी रखा हुआ है 38%, उसमें भी 18% आप 18 चौक 72, तो आप ये मानिए कि 30% नेट रहा है इनके पास, 30% की होल्डिंग, बाकी इन्होंने 8% तो दे दिया है। तो 46 के लिए कोई चाहे इसमें बोलिंगर बैंड में देखिए डेली पैटर्न पे, तो यहाँ पे ये मिडिल लाइन 37 जो है 3786 को ऊपर की ओर जंप किया है और एक इंडिसिसिव टाइप का कैंडल बनाया है, और ये इंडिसिसिव कैंडल ये बताता है कि एक बार ये ऊपर की ओर ट्राई कर सकता है, क्योंकि ये मिडिल लाइन को ऊपर क्रॉस किया है और वॉल्यूम के साथ किया है। और वॉल्यूम पैटर्न का इसका एक कहानी है कि जब भी होता है ये सिंगल डे वॉल्यूम नहीं बनाता है, ये 2 या 3 दिन के वॉल्यूम को कंटिन्यूटी में मेंटेन करने की कोशिश करता है। अगर आप इसके वॉल्यूम पे जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिसंबर का देखिए सेल्स आपको 11% बढ़ा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़ का 43 करोड़, 350%, इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, एक्सेप्शन आइटम नहीं है, नेट प्रॉफिट नेगेटिव या पॉजिटिव हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 7 की जगह 29, तो सारा अच्छा चीज दिखा रहा है यहाँ पे, तो एक ये अच्छी बात है। तो सॉरी यहाँ पे देखिए, हाँ मैं यहाँ पे चार्ट पे दिखाने की कोशिश, ये देखिए ये ग्रीन कंटिन्यू एक ग्रीन वॉल्यूम पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ पे जो ये पैटर्न है और वॉल्यूम अच्छा बन रहा है, और यहाँ पे भी जब देखेंगे तो एक दो दो तो बनता ही है, एक यहाँ पर है सिर्फ, तो ये कंटिन्यूटी जब वॉल्यूम बनता है तो थोड़ा सा कंटिन्यूटी करता ही है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम के बाद कंटिन्यूटी ज़्यादा वॉल्यूम बन रहा है, तो अब लगता है कि इसमें सेल जो पोर्शन है ना लगभग ख़त्म है, सेल लोग जितना करना था कर चुके हैं जितना हो सकता था, तो सेल अब अपने मिनिमम लेवल पे है, तो हो सकता है कि इसमें एक स्पाइक होके बाइंग की ओर ये जाके दिखा सकता है। तो इस पे एक वॉचलिस्ट रख सकते हैं आप देखेंगे तो यहाँ पे प्राइस देखिए वॉल्यूम किस तरह से ऊपर की ओर जाके, प्राइस से ज्यादा ऊपर वॉल्यूम में जाकर के इसको उठाया हुआ है। तो इन्फीबी में शॉर्ट टर्म में ये एक एज ए आप इसको पेनी स्टॉक के रूप में आप इसको देख सकते हैं, और जैसा आपको बताया कि ये पेनिस्ट ये 39 रुपये 10 पैसे में ओपन हुआ था, और वहाँ से एक लो 36 का बनाया, लेकिन उसके बाद 41 का हाई बनाया, और अपने हाई पे ही 39.45 पे इसने 3.9% 0 पॉइंट के साथ ये 15 फरवरी को क्लोजिंग दिया।
इसमें जो वेटेड एवरेज वॉल्यूम के अनुसार जो चार्ट बनता है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर 38-73 की जगह 39-45 पे क्लोजिंग देता है जो कि पॉजिटिव है। तो इन्फीबीम में शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए 37 का स्टॉप लॉस लगा करके 46 के टारगेट के लिए देख सकते हैं। लॉन्ग टर्म के ट्रेडर 30 का स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको एक बार बाइंग पेनी स्टॉक के रूप में कर सकते हैं। ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, व्यू है, मैं कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप मार्केट में जाके करें। आप पहले सेल्फ एनालिसिस करें, ये सारे एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूँ और पेपर ट्रेडिंग पॉइंट से बता रहा हूँ। आप पहले जाएं, इसमें एजुकेशन प्राप्त करें, या बनाना ही है आपको तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जाकर के बात करके ही बनाएं। डेरिवेटिव में ऑलरेडी आप देखेंगे यहाँ पे तो 35 पे भी अनवाइंडिंग हो रहा है और 30 32 35 पे अनवाइंडिंग हो रहा है, तो हो सकता है कि आपको 35 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिले और ये एक बार ऊपर की ओर 40 45 50 की ओर जाता हुआ दिख सकता है इन्फीबीम में। बस ये एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।